Hello students, let us now discuss another question of rectification of errors. So question you can see on the screen on the left hand side. So likha hai wapas rectify the following errors. Not specified trial balance ban chuka hai ki nahi ban chuka hai. So it is obvious that we are assuming ki abhi tak trial balance nahi bana hai. Clear? Transaction 1. A credit sale of goods to Sanjay rupees 3000 was wrongly passed through the purchase book. Classic case of recording mistake. देखो ना क्या लिखा है? A credit sale of goods to Sanjay. उधार में goods बेचा तो कौन सा book में आना चाहिए यार? It should come in the sales book. लेकिन वो क्या बोलता है? Was wrongly passed through the purchase book. तो it's a classic recording mistake. So it is obviously a two-sided error. So let's understand ki ye transaction ka correct entry kya hai. So correct entry credit sale to Sanjay. So correct entry is Sanjay account debit. To sales. The correct entry is Sanjay account debit to sales. Correct? अभी रॉन्ग एंट्री क्या किया उसने कौन सा बुक में लिख दिया परचेज बुक में लिखा मतलब ऐसा लिखा एज इफ उसने संजय से गुड्स खरीदा मतलब रॉन्ग एंट्री विच हैज बीन पास्ड इज परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू संजय ये रॉन्ग एंट्री पास हो गया परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू संजय अभी हम रॉन्ग को रिवर्स करते हैं तो रॉन्ग को अगर हम रिवर्स करेंगे तो इट इज संजय अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रॉन्ग को रिवर्स करेंगे संजय अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिवर्स के बाद तो इसको इग्नोर करना है आपने डिस्कस किया है पहले भी तो वी फोकस ऑन द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम ना तो यू विल फाइंड के कुछ भी कट नहीं हो रहा है आप देखिए है ना लेकिन एक बहुत यूनिक चीज दिखाई दे रहा है वो क्या है संजय देखो इधर भी डेबिट है और संजय देखो इधर भी डेबिट ही है सो इन शॉर्ट संजय को हमें डेबिट दो बार करना है मतलब डबल अमाउंट से करना है सो रेटिफिकेशन एंट्री विल बी लाइक दिस इट विल बी संजय अकाउंट डेबिट Sanjay account debit will be 6000. Correct, no? Two purchases. Two sales. All of you got this. वापस एक बार देख लीजिए क्या था संजय डेबिट दो बार था देखो तो संजय डेबिट डबल अमाउंट से हो गया देन टू परचेजेस टू सेल्स तो संजय डेबिट टू परचेजेस टू सेल्स क्लियर ट्रांजैक्शन टू सो ट्रांजैक्शन टू में क्या लिखा है देखो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम शीतल रुपीज 2000 हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक दैट इज अ ट्रांजैक्शन Again, it's a recording mistake. So obviously, it's a two-sided error. So let's read it very carefully. क्या लिखा है? A credit purchase of goods from Sheetal. That is the transaction. ये कौन सा book में आना चाहिए? Purchase book में आना चाहिए. लेकिन कौन सा book में लिख के आ गया? Sales book में लिख के आ गया. तो it's a recording mistake. It's a two-sided error. So the correct entry of this transaction is. Purchases debit to Sheetal. उधार पे हमने गुड्स खरीदा है सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस करा रहता है तो परचेजर्स को डेबिट करना है और शीतल गिवर है तो शीतल को क्रेडिट करने का दैट इज द करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या पास की है उन्होंने सेल्स बुक में लिख दिया मतलब ऐसा लिखा एज इफ हमने शीतल को गुड्स बेचा सो रॉन्ग एंट्री पास्ट इज Sheetal debit to sales. Correct? फिर हम wrong को reverse करते हैं
रॉन्ग को रिवर्स किया तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट, करेक्ट। रिवर्स करने के बाद इसको इग्नोर करना है। अब ये दो कॉलम पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो विल फाइंड के कुछ भी कट नहीं हो रहा है। सेल्स को डेबिट करना है, परचेज को डेबिट करना है और शीतल को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना है। क्लियर? सो योर रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी लाइक दिस। सेल्स डेबिट purchases debit to Sheetal account 4000. Is this very clear? Transaction 3. A return of goods worth rupees 500 to Umesh was wrongly passed through the sales returns book. Please read very carefully क्या लिखा है। A return of goods worth rupees 500 to Umesh। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ने उमेश को goods return किया। हम लोग ने उमेश को goods return किया मतलब it's a case of purchase returns। लेकिन वो क्या बोलता है, has been passed through the sales returns book। So again it's a recording mistake, it's a two-sided error। All right? करेक्ट एंट्री क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 500 टू उमेश, तो उमेश को रिटर्न किया गुड्स हमने। सो करेक्ट एंट्री इज उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। उमेश को रिटर्न किया गुड्स मतलब क्या, उमेश रिसीवर ना। सो करेक्ट एंट्री इज उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इज अ करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या पास हुआ है, हमने सेल्स रिटर्न बुक में लिखा मतलब ऐसा लिखा एज इफ उमेश ने हमको गुड्स रिटर्न किया, तो रॉन्ग एंट्री पास्ट है सेल्स रिटर्न टू उमेश। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, रॉन्ग को रिवर्स करते हैं। रॉन्ग को रिवर्स किया तो उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न्स हो गया, फिर इसको इग्नोर करना है। नॉलेज चेक, कुछ भी कट हो रहा है क्या, तो वंस अगेन वी फाइंड के कुछ भी कट नहीं हो रहा है, लेकिन देखो उमेश डेबिट दो बार है, यहाँ भी डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है, तो उमेश को डेबिट हम लोग डबल अमाउंट से करेंगे, टू सेल्स रिटर्न्स टू परचेज रिटर्न्स। सो इट विल बी उमेश अकाउंट डेबिट 1000, करेक्ट नो, टू सेल्स रिटर्न्स टू परचेज रिटर्न्स। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, a return of goods worth rupees 900 by Ganesh was entered in purchase returns book. Abas dhyan se padho. A return of goods worth rupees 900 by Ganesh. Ganesh ne return kiya goods humko. Iska matlab ye hai ki humne Ganesh ko goods becha tha aur wo goods wapas a gaya. Matlab wo sales returns hai. So correct entry of that transaction is sales returns account debit. गणेश, सो करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू गणेश। बट सेकंड पार्ट में लिखा है वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न्स बुक, मतलब ऐसा लिखा गया एज इफ हमने गणेश को गुड्स रिटर्न किया, मतलब द रॉन्ग एंट्री पास्ट इज गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। अभी हम रॉन्ग को रिवर्स कर देते हैं, तो रॉन्ग को रिवर्स किया तो परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू गणेश हो गया। रिवर्स करने के बाद अगेन वी फाइंड के कुछ भी कट नहीं हो रहा है,
गणेश देखो दो बार क्रेडिट है, इधर भी क्रेडिट है और इधर भी क्रेडिट ही है, तो फाइनली क्या बचेगा देन? इट विल बी परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 900 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900 टू गणेश अकाउंट 1800. सो इट इज परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू गणेश. क्लियर एकदम? द लास्ट ट्रांजैक्शन नाउ. तो क्या लिखा है देखो, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नेहा रुपीज 10,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 11,000. संभालना. डिड यू फाइंड आउट गड़बड़ किधर है? गड़बड़ इज नॉट इन रिकॉर्डिंग इन द गलत सब्सिडरी बुक. सही सब्सिडरी बुक में लिखा है, बट प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? गलत अमाउंट लिखा है. आर यू एबल टू सी वेरी केयरफुली? देखो ना क्या लिखा है. क्रेडिट परचेज फ्रॉम नेहा 10,000. 10,000 का गुड्स आपने परचेज किया नेहा से, बट ऐसा लिखा एज इफ आपने 11,000 का गुड्स खरीदा. तो यू रोट इन द करेक्ट सब्सिडरी बुक बट यू रोट अ रॉन्ग अमाउंट. सो अगेन इट्स अ रिकॉर्डिंग मिस्टेक. तो करेक्ट एंट्री क्या है इसको हम लोग अमाउंट के साथ लिखेंगे. सो करेक्ट एंट्री इज, द करेक्ट एंट्री इज purchases debit 10,000 to Neha 10,000. That is the correct entry of that transaction. Correct, no? Wrong entry क्या हुआ है? Wrong entry हुआ है purchases debit 11,000 to Neha 11,000 ऐसा हुआ है. मतलब same entry हुआ है but 11,000 के लिए हो गया. समझा? रॉन्ग को रिवर्स करते हैं. तो रॉन्ग को रिवर्स किया तो नेहा डेबिट 11,000 टू परचेजर 11,000 किया. फिर ये तो इग्नोर करना है. अभी बहुत मजा आएगा देखो. इफ यू फोकस ऑन द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम वेरी केयरफुली यू विल फाइंड कि नेहा डेबिट देखो 11,000 है और नेहा क्रेडिट देखो 10,000 है. मतलब नेहा डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, लेकिन देखो अमाउंट अलग अलग है. तो कौन सा अमाउंट छोटू है? क्रेडिट वाला अमाउंट छोटू है ना. तो क्रेडिट वाला नेहा विल गेट कंप्लीटली कैंसल्ड और डेबिट में ये 11,000 कट के कितना बचेगा? 1,000 बचेगा. समझा? उसी तरह आप देखो परचेजर्स डेबिट में भी है 10,000 रुपया और परचेजेस क्रेडिट में भी है देखो 11,000 रुपया है ना. तो इसमें आप देखिएगा तो छोटा वाला अमाउंट क्या है? डेबिट वाला 10,000 छोटा है. तो ये डेबिट वाला 10,000 जो है वो कंप्लीटली कट हो जाएगा और क्रेडिट में 11,000 से 10,000 कट के 1,000 बचेगा. अंडरस्टूड? तो फाइनली क्या बच रहा है आप देखो, क्या बच रहा है? इधर वाला जो है ये पूरा कट चुका है. करेक्ट? ये पूरा कट चुका है. क्या पर बाकी है? क्या बाकी है? नेहा डेबिट 1,000 टू परचेजेस 1,000. ये जो बाकी है इसको आके लिखने का आपका जर्नल में. यानी यहां पर आप लिखेंगे नेहाज अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेजेस 1,000. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी यूजफुल टू यू. For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel, Mensa Commerce Classes. You may even visit our website, mensaclasses.com. God bless. Thank you.